केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्मार्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, जिसमें राजवाड़ा की क्षत्रियों और 56 दुकान का अवलोकन भी था। निरीक्षण के बाद सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इंदौर की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता का जो अभियान चलाया था, उसमें इंदौर ने अद्भुत कार्य किया है। वहीं इस कार्य में इंदौर की जनता और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग बताया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि देवी अहिल्या की नगरी इंदौर देश में पिछले 4 सालों से स्वच्छता में नंबर 1 है। 5 साल के लिए दोबारा फिर ये कोशिश कर रहा है। देश में स्वच्छता की मुहिम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इस अभियान के अंतर्गत अब देश का हर शहर अपने आप को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना चाहता है। इंदौर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इंदौर में 1 साल में बहुत काम हुए हैं। यहाँ पर गंदे नालों को पूरा साफ कर दिया है। मुझे जानकर खुशी है कि अब यहाँ पर क्रिकेट और सोशल फंक्शन भी, कुश्ती का आयोजन भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तभी संभव है जब शहरवासी मिलकर सोचते हैं। इंदौर में सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ के लोग पूरी तरह स्वच्छता के बारे में एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपका स्वच्छ भारत मिशन है, अभी एक हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जल जीवन मिशन अर्बन की घोषणा की है। तो जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में कि कैसे हमारे शहर सिक्योर बने, कैसे हमारे शहर, जैसे आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे शहर खत्म हो गए, काल कौलित हो गए, उनके बने जो पहले दुनिया के नक्शे में थे आज वो नक्शे में है नहीं, या कभी बहुत समृद्ध शहर हुआ करते थे बड़े साधारण शहर बन गए क्योंकि वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या आ गई। तो आज हमने एक वाटर सिक्योर सिटी बनाने के लिए जल जीवन मिशन अर्बन को माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बजट भाषण में घोषणा की है और हमारा मंत्रालय अभी बहुत जल्दी उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसको हम एक गाइडलाइंस के साथ इसको लॉन्च करें और उसमें भी मेरी चर्चा हुई है राज्य सरकार के अधिकारियों का। आज मैंने आज सवेरे वहाँ उज्जैन में राज्य सरकार के जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स थे उनके साथ बहुत डिटेल में चर्चा की हम लोग क्या काम करें, कैसे करें कि जिससे इस जल जीवन मिशन अर्बन का पूरा पूरा फ़ायदा ले सके। एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 उसकी भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में की है, उसका कैसे आप फायदा लें कि जिससे कि आप जो स्वच्छता है एक लेवल पे आप पहुंच गए, अब उस लेवल के आगे सस्टेनेबल कर दें ताकि हमारे ज़िंदगी में एक तरीके से वो पूरा का पूरा वो भाग बन जाए, हमारा स्वच्छता भाग बन जाए। और जब वो भाग बनेगा तो उसका फ़ायदा जैसे इंदौर को हो रहा है वो सारे देश को फ़ायदा मिलेगा, वो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा, लोगों के स्वास्थ्य को फ़ायदा मिलेगा, हमारे जो खर्चे फालतू के खर्चे होते हैं वो खर्च उन खर्चों से हमें जो है निजात मिलेगी। तो इन तरह की चीज़ों जो है ये सब भी चीज़ें मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अभी हमें एक और घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी, ये हमारे ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विस और अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, इसके बारे में भी बहुत जल्दी भारत सरकार के द्वारा निर्देश आएंगे। और जो हमने यहाँ पे बात किया लोगों से कि शहर में आपका कैसे जो बस सर्विस है उसको ऑगमेंट करें, उसमें जो 5 लाख से ज़्यादा आबादी के मध्य प्रदेश के 5 शहर हैं, आपका इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है और उज्जैन है, ये 5 शहरों में कैसे ऑगमेंट करेंगे, कैसे आप अर्बन ग्रीन मोबिलिटी लाएंगे। इंदौर और भोपाल में मेरी चर्चा हुई कि इंदौर भोपाल में जो भारत सरकार ने मेट्रो सेंक्शन किया है तो उस मेट्रो का कैसे पूरा पूरा जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि भारत सरकार सेंक्शन कर दी, सेंक्शन करने के बाद हम उसको वॉच कर रहे हैं, उसको जितना जल्दी से जल्दी आप इसको जो ग्राउंड करें, यहाँ पे अगले 2 साल में यहाँ पे मेट्रो चलाना चालू कर दें तो यहाँ पे लोगों की जो एक ट्रांसपोर्ट की समस्या है उस समस्या से आपको निदान मिलेगा। अभी मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट इसका भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, कैसे अपने शहरों के ऐसे जगह जहाँ आबादी कम है लेकिन फिर भी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप मेट्रो न्यू जो कि मुश्किल से 20% खर्चे में बन जाता है वो बन जाता है, उसको कैसे उसका लाभ लें, ये सब तमाम सारी चीज़ें हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों से बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर काम किया जाएगा और उससे यहाँ के लोगों को, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी को हम सहूलियत लाएँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम सारे संबोधनों में बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, तो कैसे लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग लाएँ इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जोर है। इसके बारे में हमारी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, जो पटरी रेड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे सहूलियतें मिले, अभी आपको मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उज्जैन में इंटरेक्ट भी किया कुछ रेड़ी पटरी वालों से, यहाँ भी मैं मिलूँगा। अब पूरे देश में जिस प्रकार से काम हो रहा है ऐसा अभूतपूर्व काम करीब 9 महीने में
हम लोग 20 लाख के आसपास लोगों को ऋण दिला चुके हैं, करीब 41 लाख लोगों का एप्लीकेशन आ चुका है, 25 लाख लोगों के सैंक्शन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है और उसमें मध्य प्रदेश नंबर टू है, पूरे देश में नंबर टू है। इसमें भी चर्चा हुई कि और हम लोग क्या करें जिससे कि ये नंबर वन हो और आगे बढ़े। हर एक हमारा जो रेडी पटरी वाला, उसके बाद फ़ोनपे, वो QR कोड और UPI के माध्यम से पेमेंट ले रहा है या UPI के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।